अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मिल्क पाउडर बनाने का तरीका। आप घर में ही बिना किसी झंझट के, बिना किसी मशीन के मिल्क पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे बहुत आसानी से। आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और उसे ट्राई करिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मिल्क पाउडर बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। मिल्क पाउडर जो है वो सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाएगा। एक हमें दूध चाहिए और एक चीनी चाहिए। कितनी क्वांटिटी में चाहिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 किलोग्राम यानी 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। यहाँ पर मैं फुल क्रीम दूध से बनाऊँगा, आप चाहें तो टोन मिल्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो फुल क्रीम दूध लिया है। इसके साथ यहाँ पर हमें 1/2 कप यहाँ पर चीनी चाहिए, 1/2 कप चीनी चाहिए, ग्राम में होगी 100 ग्राम। यहाँ पर ही 100 ग्राम हमें चीनी चाहिए और 1 लीटर फुल क्रीम दूध चाहिए। सिर्फ इन दो चीज़ों से जो है हमारा मिल्क पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलो मिल्क पाउडर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले ली, हैवी बॉटम की यहाँ पर हमने कढ़ाई ले ली। उसमें जो हमने दूध लेके रखा था वो यहाँ पर ऐड कर दिया। तो यहाँ पर इसमें दूध ऐड करने के बाद जो है पहले इसे हाई फ्लेम पे एक इसमें बॉयल आने देंगे, यानी इसमें पहले एक हाई फ्लेम पे बॉयल आने देते हैं, फिर हम इसे पका के स्टार्ट करेंगे, पकाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हाई फ्लेम पे इसे इसी तरीके से उबलने देते हैं दूध को। तो जी यहाँ पर आप देखें हमारा जो दूध है उसे यहाँ पर पकते हुए हाई फ्लेम पर इसमें एक बॉयल आ चुका है। यहाँ पर हाई फ्लेम पर इसमें एक बॉयल आ चुका है और यहाँ पर आप देखेंगे इसके ऊपर इस तरीके की जो है वो एक मलाई की लेयर भी आ गई है। दूध की मलाई जो होती है उसकी लेयर आ गई है। यहाँ पर एक स्पून से हम इसे बहुत हल्के हाथ से दूध में मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर अब जो हमने इसमें हाई फ्लेम पे एक बॉयल लगाया है, हमने इसे पहले हाई फ्लेम पे एक बॉयल लगाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर आपको जो है वो हैवी बॉटम का यहाँ पर आप कुछ कढ़ाई या फिर कुछ पैन लेना है ताकि जब हम इसे पकाकर गाढ़ा करेंगे तो जले नहीं। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पे इसमें एक बॉयल लगाने के बाद जो है हम गैस का फ्लेम अब मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे दोबारा से इसमें बॉयल लगाएंगे। हमें इसे पकाकर इतना गाढ़ा करना है जो हमारा दूध है वो 1/3 नहीं रह जाता, यानी 1/3 इसमें से नहीं रह जाता। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पे एक बॉयल आने के बाद हमने जो इसमें मलाई थी वो मिक्स कर दिया, आप लोगों ने भी देखा। अब गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाकर तैयार कर लेंगे जब तक हमारा जो दूध है वो 1/3 नहीं रह जाता। हमें इसे स्लो फ्लेम पर नहीं पकाना है, मीडियम फ्लेम पर पकाना है। अगर हम स्लो फ्लेम पर बनाएंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, जो बिल्कुल भी सही नहीं रहता मिल्क पाउडर के लिए। तो यहाँ पर आपको इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है इसी तरीके से। आपको अभी इसमें स्पून वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं है। जब इसके ऊपर मलाई की लेयर आ जाएगी फिर आपको उसे दोबारा से हल्के हाथ से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको छोड़ देना है, स्पून साइड में रख देना है चम्मच। दोबारा से मीडियम फ्लेम पर एक मलाई आने देनी है, उसे हल्के हाथ से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें दोबारा से एक मलाई की लेयर यहाँ पर आने लगी है। अब यहाँ पर हम इसे हल्के हाथ से मिक्स कर देते हैं, बहुत हल्के हाथ से हमें मिक्स करना है एक बार। तो यहाँ पे मलाई इसमें सारी मिक्स करने के बाद जो है हम इसी तरीके से इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। इसे पका लेते हैं मीडियम फ्लेम पे जब तक ये 1/3 नहीं रह जाता। इसे पकने में कितना टाइम लगा ये मैं आपको बताऊंगा आगे। तो यहाँ पे इसे पकने देते हैं इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे। तो जी यहाँ पर आप देखें हमारा जो दूध है उसे यहाँ पर पकते पकते ही हमने इसे इतना गाढ़ा कर लिया, हमारा जो दूध है वो 1/3 रह गया। यहाँ पर अब जो है हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करेंगे और लो फ्लेम पर कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए इसे इस तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो जी यहाँ पर आप देखें हमारा जो दूध है वो पकते पकते यहाँ पर 1/3 रह गया है। यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुका है। तो यहाँ पर हमने इसे इतना पका लिया, इतना पका पका कर गाढ़ा कर लिया जो है 1/3 रह गया। आप लोगों ने देखा हमने इसे किस तरीके से बनाकर तैयार किया, पका कर हमने इसे गाढ़ा किस तरीके से किया। तो यहाँ पर आप गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे एक बार मिक्स कर देंगे। हमें जो है वो ये इसी तरीके का चाहिए था, ये अच्छी तरीके से जो है वो पककर गाढ़ा होकर तैयार हो चुका है। इसे पकाने में जो है वो हमें लगे हैं 25 मिनट मीडियम फ्लेम पे। आप जब इसे पकाएं तो एक बात का ध्यान रखें कि इसे आप मीडियम फ्लेम पे ही बनाकर तैयार कीजिएगा, मीडियम टू हाई फ्लेम पे। लो फ्लेम पे अगर आप इसे पकाकर तैयार करेंगे, गाढ़ा करेंगे तो जो है इसका कलर चेंज हो जाएगा, वो मिल्क पाउडर कलर भी ख़राब हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर इसे पका पका कर हमने गाढ़ा कर लिया लेकिन इसका कलर हमने चेंज नहीं किया। तो यहाँ पर हमारा दूध तो जो है 1/3 रह गया है। तो जी आप लोगों ने देखा हमने इसे किस तरीके से बनाकर तैयार किया, ये जो है वो हमारा पककर बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ पर अब हम इसे मिल्क पाउडर बनाना स्टार्ट करेंगे, इसका सेकंड प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको इस तरीके की एक ट्रे ले लेनी है, हमारे पास स्टील की तो हमने स्टील की ले ली, आप एक बड़ा प्लेट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रे लेने के बाद जो ये हमारा मिल्क पाउडर जो हमारा ये मिल्क है इसे सारा इसमें निकाल देते हैं, सारा हम इसे फैला देंगे। इसे पहले सारा निकालते हैं, इसमें अच्छी तरीके से बिल्कुल निकालते हैं इसे। तो जी यहाँ पर इसे इस तरीके से ट्रे में निकालने के बाद जो है हमें इसकी एक बहुत पतली सी लेयर यहाँ पर फैलानी है। तो यहाँ पर इस तरीके से निकालने के बाद हम इसे इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से इसे फैला देंगे। यहाँ पर हमें इसे बहुत पतली लेयर में इसे फैलाना है, यहाँ पर ट्रे में जो है वो बहुत पतली लेयर में फैलाना है। तो यहाँ पर हमें ट्रे में कुछ भी ग्रीस करना नहीं है, बस इसे ऐसे ही इसकी लेयर फैला देनी है। तो यहाँ पर हमें इसकी लेयर ऐसे फैलाने के बाद जो है इसे हम सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर वीडियो शूट करते हुए हमें काफ़ी रात हो चुकी है, तो यहाँ पर अब हम पूरी नाइट के लिए हम इसे छोड़ देंगे, यानी ओवर नाइट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। यहाँ पर पूरी रात के लिए हम इसे छोड़ते हैं पंखे के।
तो जी यहाँ पर आप देखें जो हमने अपना मिल्क पाउडर को जो हमने सेट किया था अपने मिल्क को ट्रे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने से 4 से 5 घंटे के लिए जो है वो छोड़ देता पंखे के नीचे। तो यहाँ पर हमने सुबह रात के लिए छोड़ा था, यानी 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ा था फैन की हवा में, पंखे की हवा में। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से खुशक हो चुका है। अब यहाँ पर हम एक इस तरीके का चम्मच लेंगे और इसे इस तरीके से यहाँ पर हम छुटाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले इसे इस तरीके से करते हैं, आप देखें। तो यहाँ पर आप इसे जितनी पतली लेयर इसकी फैलाएंगे, इसकी लेयर जो है पतली लगाएंगे तो उतनी जल्दी आपके ट्रे में सूख जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि काफ़ी पतली आप इसकी लेयर लगाइएगा। तो यहाँ पर सब इसे इस तरीके से हटाने के बाद इसमें से, तो यहाँ पर इस तरीके से करने के बाद जो है हमने सबको जो है वो अच्छी तरीके से ट्रे में से निकाल लिया है इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने जो है हमारा इसे सारा हमने हटा लिया है ट्रे में से, इस तरीके का ये हो गया है। तो यहाँ पर ये भी जो है वो नीचे से थोड़ा सा यहाँ पर ये गीला गीला सा हो रहा है। तो यहाँ पर जो है हम इसे 2 घंटे के लिए धूप में रख देंगे, 2 घंटे की धूप हम इसमें दिखा देंगे तो ये हमारा जो है वो अच्छी तरीके से खुशक हो जाएगा। अगर आपके यहाँ धूप आती है तो आप इसे धूप में रख दीजिएगा, वरना आप इसे 1 रात के लिए और पंखे के नीचे छोड़ दीजिएगा तो आपका ये पूरा खुशक हो जाएगा। धूप में थोड़ा जल्दी हो जाएगा, पंखे में आपको ये पूरी रात में खुशक हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 घंटे की हम इसमें धूप लगा देते हैं, फिर जो है ये अच्छी तरीके से खुशक हो जाएगा। यहाँ पर हमें बहुत खुशक चाहिए, ये काफ़ी खुशक हमें यहाँ पर चाहिए, ड्राई ड्राई चाहिए बिल्कुल। जितना ड्राई होगा उतना हमारा मिल्क पाउडर अच्छा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर इसे 2 घंटे की धूप में हम रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो जी यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो मिल्क पाउडर है यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है। यहाँ पर ये बहुत अच्छी तरीके से ड्राई हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना ड्राई हुआ है। तो यहाँ पर हमने इसे ओवरनाइट के लिए पंखे के नीचे छोड़ दिया था, फिर हमने इसे 2 घंटे की धूप दिखा दी, इतने में जो है ये अच्छी तरीके से यहाँ पर ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पर ये हमारा मिल्क पाउडर जो है ड्राई होकर तैयार हो चुका है, अब हम इसे पाउडर फॉर्म में लाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक मिक्सर जार हम ले लेंगे, उसमें इसे ग्राइंड करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक मिक्सर जार लिया है, जो हमारा ये मिल्क पाउडर है जो इसे हम इसमें डाल देंगे सारा सारा। इसमें डालने के बाद जो है हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, हम इसे बिल्कुल फाइनली ग्राइंड कर लेंगे, पाउडर फॉर्म में इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो करते हैं पहले इसे ग्राइंड। तो यहाँ पर जो पाउडर है वो हम ग्राइंड कर लाए हैं, अपना मिल्क पाउडर ग्राइंड करके लाए हैं, लेकिन इस प्लेट में से निकालने से पहले हम इसे एक बार स्टैंड कर लेंगे ताकि इसमें जो भी लम्स वगैरह होंगे तो उस निकल जाएंगे। इस तरीके एक स्टैंडर ले लेंगे और जो हमने मिल्क पाउडर ग्राइंड करके लेके आए वो हम इसमें निकाल लेंगे। मिल्क पाउडर निकालने के बाद इसे इस तरीके से हम पहले स्टैंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने जो है वो इसे अच्छी तरीके से स्टैंड कर लिया है। यहाँ पर जो है ये इस तरीके का बिल्कुल स्टैंड होकर बिल्कुल महीन पाउडर बनकर हमारा तैयार हो चुका है। अब जो हमने चीनी लेके रखी थी ना उसे हमने मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लिया। तो यहाँ पर सारी चीनी हम इसमें ऐड कर देते हैं, हमारी पहले से स्टैंड हुई हुई चीनी है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताई थी 1 कप चीनी, जो हमने 1/2 कप चीनी ली थी उसे हमने जो है वो स्टैंडर में डाल के स्टैंड कर लिया था। तो हमारी चीनी जो है वो स्टैंड हो गई थी अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर हम इसे इस तरीके से मिक्स कर देंगे हल्के हाथ से, बहुत चारों तरफ इसे मिल्क पाउडर में मिक्स कर देंगे अपनी चीनी को। आप चाहें तो चीनी जो है वो इसमें अवॉइड भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पर ऐड की है चीनी। तो यहाँ पे हमारा दानेदार सा बिल्कुल जिस तरीके से आप लोग मार्केट से लेते हैं उस तरीके का हमारा घर में ही हमारा मिल्क पाउडर बनकर तैयार हो गया। ये मिल्क पाउडर घर में बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत मज़े का घर में बनकर बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल प्योर हमारा मिल्क पाउडर बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर हम इसे मिक्स करते हैं, फिर एयरटाइट कंटेनर में डाल के हम इसे स्टोर करेंगे। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में डाल के जो है वो स्टोर कर सकते हैं 2 से 3 महीने के लिए रूम टेम्परेचर पर। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में डाल दीजिएगा और कंटेनर के लिड कवर कर दीजिएगा, उसे स्टोर कर सकते हैं आप पूरे 2 महीने के लिए। तो यहाँ हमारा मिल्क पाउडर बनकर बिल्कुल तैयार है, मैं आपको उसे कंटेनर में डाल के दिखाता हूँ। तो जी लीजिए हमारा मिल्क पाउडर बनकर तैयार है, यहाँ पर आप देखें बिल्कुल इस तरीके का है जैसा आप लोग बाहर से लेते हैं। आप इसे बनाइएगा और एयरटाइट कंटेनर में डाल के स्टोर कीजिएगा रूम टेम्परेचर पर। आप इस मिल्क पाउडर को ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा, आने वाले दिनों में मैं आपको इससे कई रेसिपी सिखाऊंगा। तो आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी मैं ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं। मैं फिर हाजिर होता हूँ एक नई रेसिपी लेके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।